नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज महिलाओं और पुरुष दोनों एसडीएम कार्यालय क्यों पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन उन लोगों के खिलाफ दे रहे हैं जिन्होंने शमशान भूमि जाने वाला रास्ता रोक रखा है, उस पर कब्जा कर रखा है। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारियों और बता दूं आपको सरपंच और ग्राम सेवक ने रास्ता खुलवा दिया था। आरोप यह है कि उसके 30 मिनट बाद ये बाहुबली लोग फिर से उस पर अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर दिया, कब्जा कर लिया गया। जी हां, आपको बता दें सागरताल पंचायत के गांव बेगू का बास में लंबे समय से गांव से आबादी भूमि से शमशान भूमि को जाने वाले रास्ते पर गांव के ही भगवाना राम पुत्र लिचमणा राम और हरलाल पुत्र सही राम जाति जाट निवासी बेगू का बास की आपस में रंजिश होने के कारण रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें एक बार ग्राम पंचायत व ग्राम वासियों की समझाइश से रास्ता खुलवा दिया गया था। उसके बाद दिनांक 1/6/2021 को गोरुराम मेघवाड़ उम्र 85 साल की मृत्यु होने के कारण रास्ता प्रशासन द्वारा पुनः खोला गया। आपको बता दें नाले के आदेश क्रमांक 2024/741 की पालना अनुसार रास्ता प्रशासन के द्वारा जहां ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि सरपंच ग्राम विकास अधिकारी पटवारी और मोका तहसीलदार मोका मजिस्ट्रेट व पुलिस प्रशासन के निर्णय के अनुसार अतिक्रमण हटवाया गया था एवं रास्ते को सुचारू रूप से चालू भी करवा दिया गया था। तुरंत कार्रवाई के उपरांत 30 मिनट बाद इन बाहुबली लोगों ने फिर से रास्ता रोक लिया। जी हाँ, बता दें आपको भगवाना राम व उसका पुत्र संजय दोनों ने मिलकर इस रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके बाद ग्राम का कोई भी व्यक्ति या स्वयं पशु जाकर जानवर लेकर इस रास्ते से नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने साफ कह रखा है कि इस रास्ते से नहीं जा सकते। आज इन्हीं लोगों ने ज्ञापन सौंपा एसडीएम राजगढ़ को और राजगढ़ एसडीएम ने इन्हें आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में प्रभावी कार्रवाई कर ये रास्ता खुलवा दिया जाएगा। आखिर गोचर भूमि में ये बाहुबली लोग कैसे रास्ता बंद कर देते हैं जो पूरे गांव के काम आता है। बता दें आपको सांखनताल पंचायत के ये बेगू जो बास है, बेगू का बास है, इसी में गांव से आबादी भूमि से शमशान जाने वाला रास्ता है। अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है, अर्थी भी वहां से ले जाई जाती है, तो ये लोग उसे रोक लेते हैं, क्योंकि ये बाहुबलियों का कब्जा है। यहां पर कोई नहीं आएगा। गांव पूरा एक तरफ और ये लोग एक तरफ, यानी कि गोचर भूमि पर भी कब्जा है वो कायम कर रखा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, प्रशासन 1 या 2 दिन के अंदर इस कब्जे को तुड़वा देगा, इस कब्जे को हटा देगा। इससे पहले भी प्रशासन ने कब्जा हटवाया, लेकिन पता नहीं इन लोगों को किसकी सह मिल रखी है कि आप गोचर भूमि पर कब्जा कीजिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो इनके पीछे हैं, जो इनकी ताकत दे रखी है कि पूरे गांव का एक रास्ता इन्होंने रोक लिया। तस्वीरें आपके सामने मैं चला रहा हूं। कुछ महिलाएं और पुरुष हैं, वो आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन दिया, अपना दुख दर्द है वो उपखंड अधिकारी को सुनाया। उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 1 या 2 दिन के अंदर ये कब्जा है ये हटवा दिया जाएगा। सर, हमने एसडीएम कार्यालय में आके उनको ज्ञापन दिया। मैं ग्राम पंचायत साकनताल से ग्राम बेगुबा से मेरी एक आबादी भूमि से जो रास्ता शमशान भूमि को अन्य गाँव को भी लगता है और खेतों को भी लगता है, उस रास्ते पे गांव के 2 आदमियों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा। उसमें 20 तारीख को प्रशासनिक जो कर्मचारी वो भी गए थे और पंचायत समिति के जो भी सरपंच गणमान्य हैं, ग्राम सेवक, वीडियो सब अधिकारी और मौका मजिस्ट्रेट वहाँ जाके मौके पे रास्ते खुलवाया गया था। उसके तुरंत 30 मिनट बाद में आधे घंटे के लमसम उस रास्ते को पुनः बंद कर दिया गया। इसलिए हमने यहाँ के हमारे गाँव की महिलाएँ और आदमी सब आए हैं मिलके, यहाँ पर ज्ञापन दिया है एस डी एम को और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कल तक तुरंत कार्रवाई करके रास्ते को पुनः चालू करवा दिया जाएगा और उनको परमानेंट पाबंद कर दिया जाएगा। आपका नाम जी? सर, मेरा नाम कपिल कुमार।